होता ही रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, और फिर तुम मुझसे इतना लड़ते हो, और फिर बार बार तुम्हारे फोन भी आते रहते हैं, तो अच्छा है ना थोड़ी थोड़ी देर तुमसे पीछा छूटा मेरा, मैं ठीक थी यहाँ पे। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा था तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, और तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए। वेरी गुड, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो लक्ष्मी, मिसेस ओब्रॉय ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, समझी? जुदा नहीं है तू, जुदा देख रही हैं? आपके कहने के ऊपर हमने परमिशन दी थी इन दोनों को, कैसे साथ में खड़े हैं, पुलिस स्टेशन को घर बना रखा है। सर प्यार करते हैं दोनों, और सर बिना मिले ही दोनों साथ थे सर। ऋषि, मिस्टर ऋषि, हो गया आप लोगों का? अगर हो गया है तो आप जाइए यहाँ से प्लीज। इंस्पेक्टर बस 5 मिनट और दीजिए ना प्लीज। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, देखिए रूल के खिलाफ जाकर के मैंने परमिशन दी आपको, उस चीज़ का फायदा मत उठाइए आप, दोबारा मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। दोबारा यहाँ आने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं लक्ष्मी को यहाँ से लेकर जाऊँगा बहुत जल्द, और उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब आप जाएंगे या मैं कॉन्स्टेबल को बुलाऊँ? नहीं 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 ऋषि, तुम जाओ ऋषि, अभी तुम जाओ, मुझे, मैं नहीं चाहती तुम यहाँ किसी भी प्रॉब्लम में फंसो, तुम जाओ, मैं सच में ठीक रहूँगी अब। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं वापस आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखते जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी चले। शालू पक्का तुझे आयुष ने बोला ना? हाँ, क्या? कि ऋषि जीजू निकल चुके हैं बैंगलोर से। हाँ बैंगलोर, तो फिर अगर ऋषि जीजू निकल चुके हैं तो फिर अब तक तो यहाँ पहुंच गए होंगे, है ना? और दी को भी छुड़ा लिया होगा, है ना? तू एक बार फोन करना, पता करना कि क्या क्या हो रहा है वहाँ, और प्लीज प्लीज। बानी, आयुष ने कहा कि वो फोन करेगा मुझे, पर नहीं आया ना फोन अब तक, इसका मतलब नहीं छुड़ाया क्या दी को? हाँ बानी, मैं यहाँ हूँ तेरे साथ, मुझे कैसे पता होगा कि वहाँ क्या चल रहा है, और अगर जीजू आ भी गए ना तो नीलम आंटी के खिलाफ जाके जीजू कुछ कर पाएगी कि भी नहीं, पता नहीं। हे बाबा जी, लक्ष्मी दी को कौन छुड़ाएगा? चलो मुझे ना, नहीं नहीं बानी, हम है ना, हम छुड़ाएंगे, हम दी के बहन है ना, हम छुड़ाएंगे दी को। हाँ, हम कुछ भी करेंगे। क्यों नहीं, मुंबई कमिश्नर है ना तेरा चाचा, हा? बस एक फोन घुमाओ लक्ष्मी बाहर, ज्यादा फ्लाई मत करो, लैंड पे रहो। मतलब ये कि जितनी लार्ज लार्ज बातें कर रहे हो ना तुम लोग, कुछ सोचा कैसे छुड़ाओगे अपनी लार्ज बहन को? शालू किसका फोन है? आयुष का। उठाना उठाना। क्या क्या? हेलो हेलो आयुष, लक्ष्मी दी को जेल से बाहर निकाल दिया क्या? क्या घर के पीछे एक्सीडेंट? आयुष आयुष तुम ठीक हो ना? हेलो एक्सीडेंट? आयुष हेलो, किसका एक्सीडेंट? चलो आयुष का एक्सीडेंट हो गया, रुक क्या बता ना? पता नहीं, मैं देख के आती हूँ। देखो मुझसे टकराती रहती है, देख क्या किया तूने, सारा जूस गिरा दिया। हम सब सॉरी नहीं, हम सॉरी, मैं तुम्हें दूसरा जूस बना के दूंगी बाद में, प्लीज प्लीज अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूं। अरे ओ 100 मीटर रेस मेडल जीतेगी क्या, और ये साफ कौन करेगा जो कांड किया? चाची बानी, बानी साफ करेगी, करेगी ना? बानी क्यों कर? चाची चाची मैं साफ कर दूंगी ना, मैं ना शालू से भी अच्छा साफ करूंगी ये कांड, मेरा मतलब है ये जूस।
तो क्यों साफ करेगी? और ये क्यों पीटी उषा बन रही है? हाँ चाची, वो फोन पे एक्सीडेंट की खबर आई ना, इसलिए पता नहीं क्या हो गया। तो ट्रैफिक पुलिस में शालू जो ये रोड क्लियर करवाने गई है, आई टेल यू तुम लोग ना गांव में ही बेटर थे, जहाँ लोग अपने घर में कम और दूसरों घर में ज्यादा रहते। और यहाँ पड़ोस की भी खबर नहीं होती है ना? चुप कर और साफ कर। तू नहीं बोला ना ये कांड साफ करेगी, मतलब ये जूस साफ करेगी, तो कर डू। गॉड नोस कब ये थाने दुनी वापस आएगी और कब मुझे तुम्हारा जूस पिलाएगी। ए बानी चल बना के ला। क्या कांड? मतलब जूस? हाँ जूस, जिसका कांड हो गया मेरे लिए लेके आ दोबारा, बहुत काम है मुझे। का कांड गया भाड़ में, मेरे कांड का क्या होगा? मतलब बल्लू कॉल कब करेगा मुझे? कोई नहीं, अगर वो कॉल नहीं कर रहा है तो मैं ही कॉल कर लूंगी उसे, लेकिन पैसे तो आज मैं ले करूंगी उसे। आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं मां, बस अपनी लक्ष्मी को बचाने जा रहा हूं, अपनी लक्ष्मी के पास जा रहा हूं। कैसे हमारा ऋषि, हमारा बेटा, हमारा हमारे खिलाफ कैसे जा सकता है? हमारा बेटा, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। किरण ये ऐसे दरवाजा बंद किया तुमने? हाँ नीलम, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी आए या हमारी कोई बात सुने। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है नीलम। नीलम आज जो कुछ भी हुआ है, तुमने कभी सोचा था ऐसा होगा? सॉरी बट मैंने कभी नहीं सोचा था। ऋषि? हाँ ऋषि की बात कर रही हूँ मैं। ऋषि तुम्हारे खिलाफ गया है, वो भी उस लक्ष्मी की वजह से। आई नो नीलम तुम बहुत अपसेट होगी, बट मैं और मलिष्का हम तो बहुत डर गए हैं, हमारी इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है। नीलम उसने तुम्हारे और लक्ष्मी के बीच में लक्ष्मी को चुना है, उसने बता दिया कि उसके लिए लक्ष्मी ज्यादा अहमियत रखती है। इसका मतलब ऋषि कभी लक्ष्मी को छोड़ेगा? मलिष्का से शादी करेगा वो कभी? हम समझ रहे हैं तुम। समझने से क्या नीलम, समझने से क्या होगा? तुम ऋषि को लक्ष्मी के चंगुल से आजाद करवा पाओगी, निकाल पाओगी उसे। नीलम मैं अपनी लाइफ, अपना घर